ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे, छोटी छोटी प्रोग्रेस प्रतिदिन प्राप्त की जाए तो एक बड़ा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। अडेप्ट टू ए बिग रिजल्ट। इसी प्रयास के साथ आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो होंगे राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। तो राजस्थानी चित्रकला के प्रश्नों को हल करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा इसका व्यू देखेंगे, उसके बाद अपने प्रश्न हैं वो एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे, अडेप्ट टू ए बिग रिजल्ट, एक बड़े रिजल्ट के लिए प्रतिदिन छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे प्रोग्रेस करनी होगी। ये राजस्थानी चित्रकला, चित्रकला का मतलब होता है चित्र उकेरना, और उसकी जो कला है, उसकी जो शैली है, उसको कहते हैं चित्र शैली। राजस्थान की चित्र शैली अपनी एक विशेषता रखती है। तो राजस्थान चित्र कला जो शैली है, उससे संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज। राजस्थानी चित्रकला से संबंधित सबसे पहले हम थोड़ा सा व्यू देखेंगे, इसका विस्तार। राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत वह सभी चित्र और उसकी विशेषताएं आती हैं जो पूर्व में राजपूत काल में या राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थानी चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। साल कौन सी थी? 1916। किस नाम से? राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी, जिसमें राजपूताना, जिसमें राजस्थान की जो चित्रकला थी उसको राजपूत चित्रकला का नाम दिया गया। पहाड़ी चित्रकला भी इसमें शामिल की गई। राजस्थान चित्र शैली का जो क्षेत्र है वो बड़ा समृद्ध है और विस्तृत भी है। वह राजस्थान का व्यापक भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपना, मेवाड़ यानी मेदपाट। मेवाड़ का पुराना नाम क्या है? मेदपाट। और इस पे अजंता जो चित्रकला है उसको आगे बढ़ाने के ये श्रेय मिलता है इसको। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ से जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता था। 17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूताना, राजपूतों के बढ़ते राजनीतिक वैवाहिक संबंध, मुगलों के साथ इनके वैवाहिक संबंध बढ़ते गए, तो इस पे मुगल जो चित्रकला थी उसका भी असर देखा गया। फिर 17वीं और 18वीं जो शताब्दी रही वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया और राजस्थान की जो आर्थिक दशा थी वो कमज़ोर होती गई, तो राजस्थानी चित्रकला पे भी इसका असर हुआ। लेकिन फिर भी राजस्थानी चित्रकला विलुप्त नहीं हुई, ये बनी रही, जीवित रही। राजस्थानी चित्रकला शैली को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पे हम देखें तो इसको कई भागों में बांटा गया है। कितना मजा आएगा भाई साहब आपको पढ़ाई में, इतना मजा आएगा, पढ़ाई को मजेदार ही तो बनाना है। मुख्यतः चार भागों में स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा गया है इनको। तो कौन सी हैं चार भाग? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ोती शैली और ढूंढाड़ शैली। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है और इस भौगोलिक स्थिति में किस प्रकार से बांटा गया। ये मेवाड़ जो कि चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है, दक्षिणी राजस्थान, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये मेवाड़, ये मारवाड़ शैली जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, ये हाड़ोती, कोटा, बूंदी, बारा, तो ये हाड़ोती है। ये फिर बची हुई है ये जयपुर शैली है, इसको जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं ढूंढाड़ शैली। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, इसी में शामिल किया जाता है। मेवाड़ में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ को शामिल किया जाता है। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर को और कोटा, बूंदी को शामिल किया गया है हाड़ोती में, और ढूंढाड़ में हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। छोटे छोटे स्टेप से हम एक बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो इसमें हमने देख लिया था आनंद कुमार स्वामी ने। साल कौन सी थी? 1916 की। किस नाम से, किस पुस्तक में लिखा, अभी हमने देखा है। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एक कुंदन
लाल मिस्त्री को। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। और किशनगढ़ चित्रकला जो शैली है उसका प्रमुख चित्र कौन सा है? बणी ठणी। लाडली दास, सीता दास, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार हैं। ये चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये है किशनगढ़ शैली से। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? तो वो थी बणी ठणी। बणी ठणी जो चित्र है ये किस चित्र शैली का है? किशनगढ़ चित्र शैली। और किशनगढ़ जो चित्र शैली है ये किसकी उप शैली है? मारवाड़ चित्र शैली की। बणी ठणी पेंटिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला अपनी चरम सीमा पे थी या सवर्ण काल था उसका? वो कौन सी चित्रशैली थी, वो कौन से शासक थे? तो ये राजा नागरी दास थे। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पे आधारित प्राचीन जो एक ग्रंथ है उस पे आधारित है? तो यह है मेवाड़ शैली। और मेवाड़ का हमने देखा था, मेवाड़ चित्रकला की जन्मभूमि है, मेदपाट भी इसका नाम है, यानी मेवाड़ का पुराना नाम है मेदपाट। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके काल के समय चित्रित हुआ था? तो ये हुआ था तेज सिंह के समय। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र किसको माना जाता है? किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़ या बूंदी? तो मेवाड़ को। पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य जो विषय है पिछवाई चित्रकला शैली, कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और नाथ द्वारा किस चित्र शैली की उपशैली है? ये हमने देखा था अभी, मेवाड़ चित्र शैली की ही उपशैली है। तो इसमें किसका विषय है? श्री कृष्ण लीला का, श्री कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ रूप का चित्रण किया जाता है। दुगारी किले के चित्र, दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। और इसकी चित्रकला बूंदी शैली। जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा लाल और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये हैं जमुना दास, छोटे लाल और बक्सा लाल, नंदलाल, इन ये किस शैली से संबंधित है? मारवाड़, अलवर, झालावाड़, बीकानेर, तो ये अलवर शैली से संबंधित है। बूंदी के गढ़ प्लेस में, बूंदी का गढ़ है, किला है, उसके प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो ये शासक कौन थे? महाराजा उमेद सिंह। कौन थे? महाराजा उमेद सिंह। चामुंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो चामुंड चित्रकला शैली मेवाड़ की है, हाड़ोती की है, मारवाड़ की है या शेखावटी की है? तो चामुंड चित्र शैली है वो कहाँ की है? मेवाड़ की। चामुंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये मेवाड़ में हुआ है। चामुंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे, चित्र बनाने वाले को कहते हैं चितेरे, तो ये थे नसीरुद्दीन। इन्होंने राग माला का चित्रण किया था। और किस शासक के संरक्षण में रहकर इन्होंने ऐसा किया था? तो ये थे अमर सिंह प्रथम। चामुंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ किसके शासन काल में हुई थी? महाराणा प्रताप के। कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु का मुख्य विषय क्या है? कोटा चित्र शैली में कौन से विषय दिखाए गए? हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है, दरबारी दृश्य या शिकार के दृश्य या उत्सव के? तो शिकार के दृश्य दिखाए गए, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली विशेषता की प्रमुख विशेषता थी? तो ये थे महाराजा उमेद सिंह के समय। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपके समय को ध्यान में रखते हुए, आपकी परीक्षा की उपयोगिता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि चित्र शैली से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो एक बार दोबारा आप इसको देख लें तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। चाहे आप बिगनर्स हैं तो भी आपको शैली समझ में आ जाएंगी चित्रकला।
राजस्थान की चित्रकला की जो शैलियां हैं, आजकल का ट्रेंड हो गया कि एग्जामिनर राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछली बार भी 2 प्रश्न चित्र शैली से संबंधित पूछ लिए थे BSTC एग्जाम में। तो कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की चित्र शैली से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अपने चैनल पे कक्षा 5 से 12 तक का जो सिलेबस है बोर्ड क्लासों का और अदर जो भी एग्जाम उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाले हुए हैं। आपका जो भी भाई रिश्तेदार हो तो उस तक आप चैनल को शेयर जरूर करें। आप बिगनर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक्स।